हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका जेई का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके अलावा गेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ईएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपका एंटायर सिलेबस, जो भी आपका टॉपिक है, वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो ये क्या है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके जूनियर इंजीनियर, गेट और ईएससी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम। इसके अलावा आपके थर्मोडायनेमिक्स, एफएम, टॉम, सॉम, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग डाली हुई है, बेसिक एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, उन सब के बारे में। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, इसके अलावा ये भी जानेंगे हम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। बाकी आपके सामने एक प्योर सब्सटेंस एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उसको वहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके अलावा गिब्स फेज रूल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि मैंने हेडिंग डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे इसी में, किसमें, बेसिक्स ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और जो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, यानी कि तो उसका हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं थर्मोमीटर का, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक में रहेगा। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी देखिए आपकी तीन फॉर्म में होती है। एक किस किस की फॉर्म में होती है, एक होती है वर्क की फॉर्म में, दूसरी होती है हीट की फॉर्म में, और एक होता है मास, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका कुछ मास होगा, यानी कि उसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसके पास भी कुछ एनर्जी रहेगी ना, तो वो भी एनर्जी की फॉर्म रहेगी उसके साथ, ठीक है। इसके अलावा क्लोज सिस्टम की हम एनालिसिस करेंगे। क्लोज सिस्टम की एनालिसिस करने वाले हैं, इसमें आपका बॉयलर के बारे में जानेंगे, कंडेंसर के बारे में जानेंगे, टरबाइन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा पीडीबी और वर्क के बारे में जानेंगे, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो पॉइंट फंक्शन होती हैं, जबकि आपका हीट एंड जो वर्क है वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं पाथ फंक्शन। इतना समझ में आ गया आपको, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा फ्लो प्रोसेस के बारे में जानेंगे और नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आइडियल गैस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है ना, उसमें माना कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है, एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, यानी कि इससे हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, उसमें हम क्या निकालते हैं, एम सी वी डी टी, यानी कि वहां से हमको पता चलता है इंटरनल एनर्जी का, ये हम जानेंगे। इसके अलावा और किसके बारे में जानेंगे, स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में आप जान लेंगे, लेटेंट हीट रेशियो, सी पी वाई सी वी का रेशियो क्या होता है, इक्वल टू हम गामा लिखते हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में, एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन में। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा उससे हम जो वेरियस प्रोसेस होती हैं, यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, ये हम जानेंगे। हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट लॉ के बाद हम इन ये सारी चीज़ें जानने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इन सब के बारे में जानेंगे।
रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और फ्री एक्सपांशन क्या होता है। अब फ्री एक्सपांशन क्या होता है, माना कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर गैस भर दी और इस साइड वैक्यूम छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेपरेट, एक सेपरेट करने के लिए मैंने कुछ लगा रखा था, इसको यदि मैं निकाल देता हूँ तो क्या होगा, ये गैस पूरे कंटेनर में फिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ना ही कोई आपको वर्क मिला, तो ये जो एक्सपांशन रहता है ये फ्री एक्सपांशन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ओपन सिस्टम एनालिसिस बाय फर्स्ट लॉ। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या जानने वाले हैं, इसके अलावा जानने वाले हैं कंट्रोल वॉल्यूम, ओपन सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि एक कंट्रोल वॉल्यूम मान लेते हैं, यानी कि इधर से कोई मास आ रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है, उसको बैलेंस करते हैं। मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और क्या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम वेरियस डिवाइसेस में लगाएंगे, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, इन सारी चीज़ों में हम अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी पढ़ेंगे हम, अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ ब्रीफ डिस्कशन था, इसके अलावा और नेक्स्ट टॉपिक भी मैंने कुछ लिख रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको पहली क्लास जो भी हमारी होने वाली उसका पूरा इंट्रो दे दूँ। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं ना, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, इक्विवेलेंट ऑफ क्लॉसियस एंड केल्विन प्लैंक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या, एंट्रोपी, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंट्रोपी, इसमें हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लॉसियस इन इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज, टी एस डायग्राम, क्योंकि जब हम एंट्रोपी में आ ही गए तो टी एस डायग्राम भी पढ़ लेंगे, एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, फाइनाइट बॉडी एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि एक कोई हमारे पास बॉडी है, उसको हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो इसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब रिवर्सिबल स्टडी फ्लो वर्क, सेकेंड लॉ एनालिसिस इन कंट्रोल वॉल्यूम, अवेलेबल एनर्जी, हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती, ये क्या होता है, इसके अलावा एफिशिएंसी भी यहाँ पर आ जाएगी, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी, इन सबको भी हम एंट्रोपिक के अंतर्गत कवर कर लेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, मैंने बोला था ना ये आपका सेपरेट टॉपिक है प्योर सब्सटेंस, तो इसमें हम इसके सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, फेज चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फेज चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंस ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पीटी डायग्राम, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में आपको वेरियस टाइप के डायग्राम बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा सैचुरेटेड लिक्विड, वेपर, एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एंट्रोपी कैसे निकालते हैं वेरियस पॉइंट पर प्योर सब्सटेंस के लिए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अब आपका लास्ट टॉपिक जो रहता है वो रहता है थर्मोडाइनमिक्स रिलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सवेल ने जो रिलेशन दिए थे उनको थोड़ा पढ़ लेंगे, इससे कि आपको एक थोड़ा
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कंपेरेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी सॉरी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो इनका एक ब्रीफ व्यू हम ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए आपका गेट ईएससी और जेई एसएससी जेई ले लीजिए, चाहे आरआरबी जेई ले लीजिए, वो एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा गेट ईएससी तो आपको अभी थोड़ा टाइम है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। और यदि आपके दोस्त हैं तो उनके साथ भी इसको शेयर करें। और भी कोई डाउट है तो आपका कमेंट करके हमको बताएं, और कोई इंक्वायरी करनी है तो भी कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।